नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फ्री में। देखिए आज मैं आपके लिए जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? जी हाँ, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। जी हाँ, रॉक गार्डन जो है वो यह विश्व प्रसिद्ध है और यह चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दो, ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीन, टोडा जनजाति पाई जाती है? जी हाँ, टोडा जनजाति पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़िया पर पाई जाती है। जी हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु राज्य में है और टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़िया पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चार, गद्दी जनजाति पाई जाती है? जी हाँ, गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो उत्तर होगा गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर पाँच, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छः, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सात, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ स्थित है? जी हाँ, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा विवेकानंद मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नौ, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कटक उड़ीसा में। जी हाँ, चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दस, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा ओडोंटोलॉजी। जी हाँ, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, सर्वदाता ब्लड कौन सा होता है? जी हाँ, सर्वदाता ब्लड कौन सा होता है? तो उत्तर होगा ब्लड ग्रुप ओ। जी हाँ, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बारह, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जी हाँ, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उत्तर होगा नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78.08% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तेरह, अकबर ने किस सिख गुरु को जमीन दी थी? जी हाँ, अकबर ने किस सिख गुरु को जमीन दी थी? तो उत्तर होगा गुरु रामदास को। क्वेश्चन नंबर चौदह, गुरु ग्रंथ साहब संकलनकर्ता कौन थे? जी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, जहांगीर ने किस गुरु को मरवाया था? जी हाँ, जहांगीर ने किस गुरु को मरवाया था? तो उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव को। क्वेश्चन नंबर सोलह, मुइजुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? जी हाँ, मुइजुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? तो उत्तर होगा मोहम्मद गोरी के। क्वेश्चन नंबर सत्रह, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और यह युद्ध जो है मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था मोहम्मद गोरी ने और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में, सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर व हेमू के मध्य। जी हाँ, पानीपत का प्रथम द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर व हेमू के मध्य, इसमें अकबर विजय हुआ था और हेमू जो है वो पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा वह अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें जो है मराठा पराजित हो गए थे और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला वह अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था अंग्रेजों से। क्वेश्चन नंबर 23, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था,
बक्सर का युद्ध मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है हेक्टर मुंडो से पराजित हो गए थे। इसमें हेक्टर मुंडो विजय हुआ था और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम जो थे ये पराजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी के गुरु कौन थे? जी हाँ, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा सी आर दास, यानी चितरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।